18वीं सदी के अखीर विच जद जुल्मा दे सरोवर लबालब भर गए, जालिम मुगला ने अपने जबरदस्त शिकंजा चारे पासों कसना शुरू कर दिता। कुछ हिंदुस्तानी हुक्मराना नूं डरा धमका के अपने नाल मिला लिया, जिन्हें जरा भी हील हुज्जत की उसनूं शरेआम कतल कर दिता। वो वेला सी कुछ वखरा करके विखाण दा, बेमान होए लोकां विच नवा जज्बा भरन दा, सहमी दुबकी अते सुती हुई अणख नूं जगाण दा। आखिरकार 13 अप्रैल ईस्वी सन 1699 विसाखी वाले दिन हिंदुस्तान दे कोने कोने चों कलगीधर पातशाह ने चिट्ठियां भेज के संगतां नूं बुलाया अते संगतां दा भारी समूह आनंदपुर साहिब विच केसगढ़ दे स्थान ते एकत्रित होया। दीवान सजिया, कीर्तन रस्ती वर्खा हुई ते जदों जयकारे गूंज ही रहे सन, अचानक मेरे चोजी प्रीतम ने फड़के नंगी तलवार तंबू विचों बाहर आके ललकारा मारे। तंबू विचों बाहर आण के कहंदे मारिया दुराणे ललकारा, एक मैनू सिर चाहिदा अज साजड़ा मैं पंत प्यारा, एक मैनू सिर चाहिदा अज साजड़ा मैं पंत प्यारा।
समान लखा बेचों तिसू बखरा एदा रूप हो पूजक तो न्यारा एक मैनु सिर चाहिदा अज सतनाम संत प्यारा एक मैनु सिर चाहिदा। गुरु साहिब दे मुखों शेरां दी मंग सुन के सारे पंडाल विच चुप दी कहर वरत गई। सारियां संगतां हैरान होके एक दूजे दे मूंह वल वेखण लगी, पर सिर देण लई कोई भी तैयार ना होया। दूजी वारी गुरु जी पूरे जोश नाल गरज के इंज बोले, कोई ना उठया। सगों सतगुरां दे हाथ बिजली वांग चमकदी तलवार वेख के संतां दे दिलां विच डर बैठ गया। पंडाल विचों कोई ना उठया वेख के गुरु जी फिर बोले, है कोई सूरमा जो मेरी डेग दी प्यास बुझा सके? है तां उठो नित्रो। तीसरी हाक ते लाहौर दा वासी जात दा खत्री भाई दया राम गल विच पल्ला पा के गुरु चरणा विच हाजिर होया ते बोले, आपदा है दा।
ਮੇਰਾ ਗੜ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਛੱਤ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਛੱਤ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਾ ਬਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ ਜਿੱਤਿਆ ਖੜਾ ਚਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਖੜਾ ਚਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਜੱਟ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ।
ਤੇ ਝਟ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਤ ਦਾ ਛੀਂਬਾ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਈ ਵਿਦੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।
भाई साहब चंद होर भी रोह नाल सतगुरु बाहू फड़के तंबू विच लै गए। सर सर कर दी तेग चलन की आवाज आई। पंजवीं बारी फिर सतगुरु तंबू विचों बाहर आए ते कड़क के बोले, आओ कोई होर सुरमा जिन्हों साडे नाल प्यार है अपना सिर दे, तुहाडा गुरु एक होर सिर मंगता है। पंजवीं बारी जगन्नाथपुरी का चीवर भाई हिम्मत राय उठिया। उठ करी तैयारी हाथ जोड़ कर अल्लाह पाके तेज अर्ज गुजारिया, हर मेरा शीश तुहाडे चरना उठे धरिया मैं, शीश गुरु जी कटलो मेरा एक सानू दरिया मैं, शीश गुरु जी कटलो मेरा एक सानू दरिया मैं। प्यारियां दे मुखों ये गल सुन के
जोजी प्रीतम बहुत खुश होए ते बोले तुसी ठीक कहा है, इस अमृत की कीमत तारनी कोई आसान गल नहीं, ये बहुत ही अनमुली वस्तु है, पर मैं इस अमृत दे सदके अपना सारा सरवंश इस अमृत तो वार देंगे। प्यारियां तो अमृत छक के हूं आप गोविंद राय तो गोविंद सिंह बन गए। पहला अपने चेले बनाए अते फिर चेलियां नूं गुरु बना के उन्हां दे हत्थों अमृत छकिया। आपने दुनिया उत्ते एक नवी मिसाल कायम की। Thank you।
प्यारे खालसा जी, ये अमृत की दात चौथी पातशाह ने आनंदपुर की धरती से वंडी। इसे अमृत शक्ति नाल एक एक सिंह सवा सवा लख नाल लड़िया। सिंह सूरमिया ने जाबर हाकमा नाल डट के लोहा लिया अते जुल्म दे हनेरे में चीर के सच का सूरज चाढ़िया। Don't you mind?